भ्रष्टाचार तो भैया इस समय बहुत चरम पे है, क्योंकि यहाँ पे देखने पहले ये ग्राम पंचायत है, ऐसा लगता ही नहीं कि जो है यहाँ कोई सरकारी योजना पहुंची हुई है जी। आप चारों तरफ कैमरे घुमा के देख सकते हैं कि यहाँ आने में आए तो हम पहले ही देख लिए जी, यहाँ आने के लिए जो है ना तो खड़ंजे हैं, ना तो रास्ते हैं और ना तो मकान आप देख सकते हैं कहीं पे जो है पक्के बने हुए हैं। ऐसा लगता है सरकारी योजना का कोई लाभ ही यहाँ नहीं पहुंचा है। यहाँ की समस्याएं हैं वो हमारे प्रधान जी चूंकि 10 वर्ष प्रधान रह चुके हैं, तो जिस क्षेत्र में इन्होंने काम किया हमारे यहाँ ग्राम सभा में बहुत बेहतरीन इनका काम रहा, इनका वही क्रियाकलाप देख करके हम लोगों का कहना हुआ भाई आप चुनाव लड़िए। लोगों का समर्थन कैसा मिल रहा है? बहुत अपार समर्थन मिल रहा है हमको पूरी तरह से, क्योंकि यही एकमात्र ऐसे प्रत्याशी हैं जो स्वयं अपने द्वारा लड़ रहे हैं। पीछे कोई उनके पीछे कोई वैसा नहीं है कि किसी ने खड़ा कराया या कोई वैसा वाला मामला है। कोलोर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 8 के मतदाता हैं। सबसे योग्य उम्मीदवार संजय जी हैं, पढ़े लिखे हैं, इनका बैकग्राउंड भी शिक्षित परिवार से है, 10 साल ग्राम पंचायत भावापुर के प्रधान भी रहे हैं। हमने एनालिसिस किया कि जो भी कैंडिडेट है उसमें सबसे योग्य हैं, इसलिए मैं संजय के साथ आके समर्थन करते हुए इनके साथ जुड़ने का प्रयास किया और भ्रमण करने के बाद जो है हमें भी लग रहा है पूर्ण रूप से कि जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है और चुनाव जीतेंगे। चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में विकास की एक धारा बहेगी और जन जन तक विकास पहुंचेगा। बोल संजय भैया बिल्कुल जीतेंगे, हम 10 साल से प्रधानी किया इनके साथ रहते हैं, सब बहुत विकास किया हुआ है, इनके साथ हमेशा रहेंगे, हमेशा बनते रहेंगे। संजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद संजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोई नहीं है चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? कहीं कई जगह देखा है जहाँ अभी भी लोगों के पास आवास नहीं है, उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे इनके तक कुछ पहुँचा नहीं है। मैं उनको जो है वो सारी सुविधाएं पहुंचाना चाहता हूं जो सरकार की तरफ से आती हैं। ये मेरा व्यक्तिगत प्रयास रहेगा कि आप हर व्यक्ति को जो है आखिरी व्यक्ति तक वो विकास की जो है वो पहुंचे, विकास पहुंचे, कि सबका विकास, मैं लोगों को जो है सबको न्याय दिला, सामाजिक न्याय दिला सकूँ। मेरी मंशा ये है कि मैं लोगों की सेवा कर सकूँ। मैं पिछले 2 पंचवर्षीय से भावापुर ग्राम पंचायत का प्रधान रहा हूँ, मैंने वहाँ लोगों के बीच काम किया है, लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। आज मैं उन्हीं की वजह से नगर निकाय चुनाव जो है निर्दलीय के रूप में लड़ पा रहा हूँ, ये उन्हीं का समर्थन है, उन्हीं की प्रेरणा है। मुझको उन्हीं लोगों ने खड़ा किया है कि भैया आप जो है इतने अच्छे काम किए हैं, आप चुनाव लड़िए। ये मैं अपनी योजनाओं को जो है पूरे जो है नगर निकाय में जो है नगर पंचायत कोंडौर में जो है इसका जो है अनुसरण करवाइए। ये हमारे यहाँ नालियाँ, आवास, शौचालय, रास्ते और पानी की निकासी, ये सारी व्यवस्थाएँ हमारे यहाँ, हमारे यहाँ ना तो विवाद है इस समय रास्ते का ना तो पानी का। मैं सारी योजना इन्हीं सारी योजनाओं को लेकर इसमें। नमस्कार दोस्तों, लाइव प्रतापगढ़ में आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से 2024 की सरगर्मियां आने वाली है और नगर निकाय का चुनाव की गर्मी लगातार बढ़कर सर चढ़कर बोल रही है, उसी के दौरान हम कोंडौरा पहुंचे हैं। कोंडौर में नगर निकाय का चुनाव सीमा विस्तार होने के बाद पहली बार होने जा रहा है और जहां पे हमारे साथ कोंडौर के निर्दलीय प्रत्याशी संजय कुमार जी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब की बार नगर निकाय के चुनाव में किस तरीके से क्या क्या मुद्दे रहेंगे उनके और क्या चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगे जनता के लिए, जनता के बीच में उनकी कंपेनिंग किस तरीके से हो रही है। जी भैया अब की बार क्या क्या मुद्दे रहेंगे? विकास का मुद्दा रहेगा, भ्रष्टाचार का मुद्दा रहेगा, निरकुंशता का मुद्दा रहेगा, सामाजिक न्याय का मुद्दा रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विजय कुमार उर्फ संजय जी। तो अब की बार चुनाव जिस तरीके से निकाय नगर निकाय चुनाव कोंडौर में सीमा विस्तार होने के बाद पहली बार हो रहा है, तो इसमें मुद्दे आपके क्या क्या रहेंगे और क्या सोच कर आप चुनाव के अखाड़े में उतरे हैं? मेरी सोच ये है कि सबका विकास, मैं लोगों को जो है सबको न्याय दिला, सामाजिक न्याय दिला सकूँ। मेरी मंशा ये है कि मैं लोगों की सेवा कर सकूँ। मैं पिछले 2 पंचवर्षीय से भावापुर ग्राम पंचायत का प्रधान रहा हूँ, मैंने वहाँ लोगों के बीच काम किया है, लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। आज मैं उन्हीं की वजह से नगर निकाय चुनाव जो है निर्दलीय के रूप में लड़ पा रहा हूँ, ये उन्हीं का समर्थन है, उन्हीं की प्रेरणा है। मैं मुझको उन्हीं लोगों ने खड़ा किया है कि भैया आप जो है इतने अच्छे काम किए हैं, आप चुनाव लड़िए। ये मैं अपनी योजनाओं को जो है पूरे जो है नगर निकाय में जो है नगर पंचायत कोंडौर में जो है इसका जो है अनुसरण करवाइए। ये हमारे यहाँ नालियाँ, आवास, शौचालय, रास्ते और पानी की निकासी, ये सारी व्यवस्थाएँ हमारे यहाँ, हमारे यहाँ ना तो विवाद है इस समय रास्ते का ना तो पानी का। मैं सारी योजना इन्हीं सारी योजनाओं को लेकर इसमें चुनाव में आया हूँ। अच्छा, तो आप घर घर कंपेनिंग कर रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? हमको घर घर कंपेनिंग जाने पर उनको जनता का भरपूर समर्थन और प्यार मिल रहा है और लोग मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं। उन्होंने कह रहे हैं भैया नहीं, हम आपके साथ हैं, आप जो है इसी तरह से चुनाव लड़ते रहिए, जो है आपको जो मुझको जो है वो कह रहे हैं कि आपको ही समर्थन देंगे, आपको ही वोट देंगे। 10 साल आप भावापुर के प्रधान भी रहे हैं, तो क्या काम आपने किए कि जिसके कारण आपको जनता काफी ज्यादा लाइक कर रही है? मैं उनके बीच हमेशा बना रहा, मैं इन 10 सालों में कभी उनसे अलग नहीं हुआ, इसे लगा जैसे मैं उनके परिवार का हूँ, इसी से लोगों का विश्वास बढ़ा मेरे प्रति, उन्होंने अपना प्यार दिया, उसी को मैं इस पूरे नगर पंचायत में
अपनाऊंगा, उन लोगों के बीच बना रहूंगा, उनकी समस्याओं को सुनूंगा। पहले मैं उनकी समस्याओं को सुनता हूँ, फिर उन्हीं के बीच बैठकर उन मुद्दों को जो है बात करता हूँ, उन्हीं के बीच समझौता होता है, सामान्य रूप से होता है, उन्हीं के विकास की बात होती है। तो वो सारे रास्ते निकलते हैं जिस रास्ते से जो है वो विकास की जो है आगे गाड़ी चल सकें। अच्छा, जिस तरीके से काफ़ी नेता काफ़ी चुनाव आने पर जिस तरीके से सब घर घर जाते हैं, घर घर काफ़ी भाग दौड़ करते हैं, क्या चुनाव जीतने के बाद भी वो इच्छा करते हैं, आप करेंगे क्या करेंगे? हम तो करेंगे, इसलिए कि मैं 10 साल रहा हूँ, मैं अपने यहाँ के एक एक बच्चे को जानता हूँ। मेरे यहाँ अगर कोई 10 साल का लड़का आ जाता था, बच्चा किसी का, उसको ये नहीं बताना होता था कि मैं फला के घर से आया हूँ। उसको उसने कभी नहीं ये कहा कि मैं भैया इनके उनके घर का हूँ, मैं लोगों को अपने यहाँ पहचानता था। हाँ, ये है कि ये नगर पंचायत थोड़ी बड़ी है, इसके लिए मुझे ज़्यादा लोगों के पास जो है ज़्यादा समय देना होगा। उस समय तो 4 गांव थे हमारे यहाँ नगर पंचायत ग्राम पंचायत में, इस बार जो है 20 गांव हैं लगभग। तो मैं लोगों के बीच बना रहूँगा ताकि मैं उनको उनकी समस्याओं को देख सकूँ। अगर मैं उनकी समस्या बना रहूँगा तो उनकी समस्याओं को देख पाऊँगा, जब मैं उनकी समस्याओं को देख पाऊँगा तभी उनकी समस्याओं का निराकरण कर पाऊँगा। मैं इस नगर पंचायत क्षेत्र में भ्रमण करते हुए मैंने देखा है बहुत सारी, कहीं नालियां नहीं है, पानी निकासी की समस्या है, कहीं रास्ते की समस्या है, कहीं बिजली की समस्या है। अच्छा, सीमा विस्तार होने के बाद आप क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं लगातार, तो जिस तरीके से क्या क्या मुद्दे आपको मिल रहे हैं, क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारे यहाँ हमारे को विकास का मुद्दा है, सामाजिक न्याय का मुद्दा है, लोग को आखिरी पायदान तक उनको विकास जो उनकी जरूरतें हैं उनको पूरी करनी है। नहीं तो आप गांव-गांव जा रहे हैं, गांव में सबसे ज्यादा समस्याएं किन बातों को लेकर आ रही हैं? सबसे ज्यादा समस्याएं इस समय रास्ते के लिए हैं, नाली के लिए हैं। कारण है कहीं बारिश हो जाती है तो जो है पानी भर जाता है रास्ते में, लोग अपने घर से जो है सड़क तक नहीं आ पाते हैं। इस समय सबसे बड़ी समस्या पानी निकासी और सड़क की है। अच्छा, आप चुनाव जीतेंगे, क्या घोषणा पत्र रहेगा आपका, क्या करेंगे? मैं लोगों का विकास करूंगा, सबसे पहले लोगों का जो है रास्ते, सड़क और उनके घर। मैंने देखा है बहुत सारे, अभी पिछड़े हमने अपने यहाँ देखा था तो हमारे यहाँ तो लगभग सबको जो है आवास मिल ही गया है। और मैंने कई जगह देखा है जहाँ अभी भी लोगों के पास आवास नहीं है, उनको देखकर ऐसा लगता है कि जिसे बहुत सारे इनके तक कुछ पहुँचा नहीं है। मैं उनको जो है वो सारी सुविधाएं पहुंचाना चाहता हूं जो सरकार की तरफ से आती हैं। तो ये मेरा व्यक्तिगत प्रयास रहेगा कि आप हर व्यक्ति को जो है आखिरी व्यक्ति तक वो विकास की जो है वो पहुंचे, विकास पहुंचे। तो लास्ट में क्या कहना चाहेंगे जनता को? जनता को यही कहूंगा, अपना प्यार और समर्थन जिस तरह से दे रहे हैं मैं उसको इसी तरह बनाए रखें। मैं चुनाव जीतने के बाद भी इसी तरह उनके क्षेत्र में बना रहूंगा। क्यों भैया, चुनाव जीतेंगे? बिल्कुल संजय भैया, बिल्कुल जीतेंगे। हम 10 साल से प्रधानी किया, इनके साथ रहते हैं, सब बहुत विकास किया हुआ है, इनके साथ हमेशा रहेंगे, हमेशा बनते रहेंगे। भैया आपकी बार जिस तरीके से आपके साथ आपके प्रत्याशी खड़े हैं जी, तो क्या लग रहा है ये किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे? हम कोलोर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 8 के मतदाता हैं जी। सबसे योग्य उम्मीदवार संजय जी हैं, पढ़े लिखे हैं, इनका बैकग्राउंड भी शिक्षित परिवार से है, 10 साल ही ग्राम पंचायत भावापुर के प्रधान भी रहे हैं। हमने एनालिसिस किया कि जो भी कैंडिडेट है उसमें सबसे योग्य हैं, इसलिए मैं संजय के साथ आके समर्थन करते हुए इनके साथ जुड़ने का प्रयास किया। और भ्रमण करने के बाद जो है हमें भी लग रहा है पूर्ण रूप से कि जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है और चुनाव जीतेंगे। चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में विकास की एक धारा बहेगी और जन जन तक विकास पहुंचेगा, जन जन तक विकास पहुंचेगा। तो गांव में आपको क्या मुद्दे ज़्यादातर मिल रहे हैं, क्या समस्याएं लोगों को ज़्यादा आ रही है? गांव में सबसे बड़ी समस्या केवल रास्ते की है, पानी निकासी की है, और जो गरीब बिल्कुल हैं जहां तक सरकारी योजनाएं पहुंच नहीं पाई हैं वहां पे आवास की सुविधा है। और एक सबसे बड़ी समस्या है जो जहाँ पे सामूहिक रूप से जैसे बैठने की व्यवस्था है, सार्वजनिक स्थल है जहाँ पे लोग एक साथ बैठ सकें, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है नगर पंचायत क्षेत्र में। हम इसकी भी जो है संजय जी से कहेंगे कि हर क्षेत्र में एक सार्वजनिक स्थान बैठने की व्यवस्था भी की जाए। तो जिस तरीके से सीमा का विस्तार हुआ, कोंडौर में पहली बार निकाय चुनाव हो रहा है, तो कोंडौर में सबसे ज़्यादा कठिन मुद्दे क्या है? कोहलोर सबसे पहली बार नगर पंचायत बनी है, और पहली बार नगर पंचायत बनने के बाद लगभग यहाँ पे जो प्रधान का कार्यकाल था वो लगभग 2.5 साल के बाद समाप्त हो गया। 2.5 साल से टाउन एरिया काम कर रही है लेकिन अभी पूरी तरीके से उनकी पहुँच हर जगह नहीं बन पाई है। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो दूर दूर के इलाके हैं, वहाँ पर जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं, जितने भी आवश्यक मुद्दे हैं, सबको पूरी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। जी भैया, क्या कहेंगे?
सही कह रहे हैं कुलदीप भाई, जो यहाँ की समस्याएं हैं वो हमारे प्रधान जी चूंकि 10 वर्ष प्रधान रह चुके हैं, तो जिस क्षेत्र में इन्होंने काम किया हमारे यहाँ ग्राम सभा में, बहुत बेहतरीन इनका काम रहा। इनका वही क्रियाकलाप देख करके हम लोगों का कहना हुआ भाई आप चुनाव लड़िए। लोगों का समर्थन कैसा मिल रहा है? बहुत अपार समर्थन मिल रहा है हमको पूरी तरह से, क्योंकि यही एकमात्र ऐसे प्रत्याशी हैं जो स्वयं अपने द्वारा लड़ रहे हैं। उनके पीछे कोई पैसा नहीं है, किसी ने खड़ा कराया या कोई पैसा विजय कुमार जिंदाबाद। देख रहे हैं लोगों में काफी उत्साह है और लगातार लोग जागरूक भी हो रहे हैं। तो अच्छा, लोगों के लिए जैसे कुछ समस्याएं आती हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, इसके बारे में आप क्या सोचे हैं? तो मैं स्कूलों के जो प्राइमरी या प्राथमिक विद्यालय हैं मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ की सुविधाएं जो हैं कॉन्वेंट स्कूलों की तरह हों, ताकि जो गरीब बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो सके। अच्छा, भ्रष्टाचार जिस तरीके से चरम पे है उसको क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर है इस समय। मैं भ्रष्टाचार को ख़त्म करूंगा पूरी नगर पंचायत से। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रधान जी हमारे, ये भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और पूरी उम्मीद है हम लोगों को कि ये प्रधान जी काम करेंगे। जी जी, नगर निकाय चुनाव जीतने के बाद भी काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आप लोगों के बीच में आएंगे आपको लगता है? जी जी आएंगे, 100% आएंगे। क्यों भैया? जी सर आएंगे, कुछ काम हम करे हैं भावापुर में, आपने कुछ देखा है? मुझे 10 साल प्रधानी किए हैं, जनता का विश्वास है, जनता बोल रही वहाँ की कि भैया ने संजय प्रधान जी ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे, और इन्हीं की वजह से हम लोग जुड़े हैं इनके, हम लोग नगर पंचायत में। आप लोगों ने इनके काम देखे हैं? जी जी, इनका काम बहुत अच्छा रहा और विकास बहुत अच्छा किए हैं, इसलिए इन्हीं के काम देख कर और हम लोग भी इनके साथ विकास कार्यों को देख कर इनके साथ जुड़े हैं। जी सर। क्यों भैया? जी जी, अब की बार कौन आ रहा है? संजय भैया। जी, कैसे आ रहे हैं? अरे भैया अभी भावपुर के प्रधान रहे हैं, वहाँ काम किए हैं, हाँ उन्हीं कामों को देख के हम लोग इनसे जुड़े हुए हैं। हाँ, तो सरकार की योजनाओं को ये जनता तक पहुँचा पाएंगे? बिल्कुल पहुँचाएंगे भैया, बिल्कुल। भैया क्या क्या कठिन मुद्दे हैं? भैया इस समय जो है सबसे ज़्यादा मुद्दे जो कठिन है ये आवास के हैं। यहाँ हमारे यहाँ आप बगल में देख सकते हैं अभी गरीबों का जो है मकान कच्चे पड़े हुए हैं, रास्ते नहीं है। जिस तरीके से हम इस गांव में इस समय आए हैं जो है, ये गांव पड़ता है खनियापुर, ये हमारी नगर पंचायत में, इसके पहले जो है ये ग्राम पंचायत ही थी। तो हमारे प्रधान जी एक एक घर जाके यहाँ के मुद्दे समझ रहे हैं और यहाँ से हमको भरपूर समर्थन मिल रहा है, और भरपूर समर्थन के साथ साथ इनका कहना है कि हम जो है अगर नगर पंचायत अध्यक्ष बनते हैं तो सर्वप्रथम जहाँ से काम ख़त्म हुआ है वहीं से हम काम शुरू करेंगे आखिरी पायदान से, और यहाँ की जो व्यवस्था है इसको भरपूर जो है विकास की तरफ हम ले जाएंगे। अच्छा, तो जो सबसे ज्यादा आपको गांव में जो समस्याएं रास्तों की मिल रही हैं, तो जैसे बच्चों की पढ़ाई के बारे में क्या कहेंगे, और भ्रष्टाचार जिस तरीके से चरम पर है? भ्रष्टाचार तो भैया इस समय बहुत चरम पे है, क्योंकि यहाँ पे देखने के पहले ये ग्राम पंचायत है ऐसा लगता ही नहीं कि जो है यहाँ कोई सरकारी योजना पहुंची हुई है। आप चारों तरफ कैमरे घुमा के देख सकते हैं कि यहाँ गाँव में आए तो हम पहले ही देख लिए, यहाँ आने के लिए जो है ना तो खड़ंजे हैं ना तो रास्ते हैं और ना तो मकान आप देख सकते हैं कहीं पे जो है पक्के बने हुए हैं। ऐसा लगता है सरकारी योजना का कोई लाभ ही यहाँ नहीं पहुंचा है। तो सरकारी योजनाओं का लाभ ये यहाँ तक पहुंचा पाएंगे? जी जी, भरपूर तरीके से हमें विश्वास है, और इनकी ग्राम पंचायत भावापुर है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं कि प्रति घर किसी का आप झोपड़ी नहीं देखेंगे, कच्चा मकान नहीं देखेंगे, एक रास्ता कच्चा नहीं देखेंगे, एक नाली कच्ची नहीं देखेंगे, और ना ही वहाँ जो है बिजली की समस्या आप देखेंगे। घर घर बिजली पहुँची हुई है, घर घर खुशहाली है, और वही जो है अपने मन में लेके हमारे प्रधान जी इस नगर पंचायत क्षेत्र में आए हैं सबके बीच में, और इनसे जो है सबको उम्मीद भी है और भरपूर सहयोग मिल रहा है। और देखने के बाद ये लगता है कि आने वाली 4 तारीख को इसी तरीके से जो है हमारे भाई बहन माताएं भरपूर इनको वोट दे के जो है भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे यहाँ से। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जिस तरीके से ग्रामीणों के काफी मुद्दे हैं और भ्रष्टाचार के भी मुद्दे हैं, तो भ्रष्टाचार से अपर होकर आप काम कर पाएंगे लगता है आपको? जी चलिए ठीक है, आप आगे की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।